सिंपल प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट है उसमें है आपका वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद अगर बात थर्ड पर्सन की है तो एस वाली एस लगेगा, ही राइट सर लेकर, तो राइट है वो उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बट ही थर्ड पर्सन है इसलिए उसके साथ राइट लगेगा, राइट नहीं लगेगा। आई लाइक द लेटर, आई लाइक द लेटर, आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो उसमें ऐसे नहीं लगेगा, आई राइट द लेटर, ही राइट्स द लेटर, इतना डिफरेंस याद रखना है फर्स्ट पर्सन। सिंपल प्रेजेंट तो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है आपका, आई ब्रश माय टूथ, तो जहां पे हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई सब्जेक्ट वाइज के रूल्स हैं, वो सारी चीजें सिंपल प्रेजेंट में कवर होगी। देन आफ्टर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अभी कोई एक्शन चल रहा है, आई एम स्पीकिंग नाउ, मैं अभी बोल रही हूँ तो आई एम स्पीकिंग, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो वो अभी लेटर लिख रहा है, तो कोई चीज प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यू के साथ एन इज आर प्लस वर्ब के साथ आई जी यूज होगा। ओके, देन आफ्टर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंटली कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और उसका जो है स्ट्रक्चर उसमें हैव और हैज का यूज होगा, जैसे मैंने बोला था कि सुपर प्रेजेंट में थर्ड पर्सन में ही रूल चेंज है, तो यहाँ पे भी थर्ड पर्सन है तो ही शी इट और एनी नेम के साथ हैज यूज होगा, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हैव का यूज होगा। ओके, तो आई हैव टेकन माय डिनर, थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, वी थ्री आएगा, और हैव और हैज का यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, उसके बाद मतलब सब्जेक्ट हैव हैज वी थ्री, वी थ्री वी यहाँ पे लिखा है, वी मतलब वो आपको समझना है क्योंकि यहाँ पे कई बार वी वन लिखा है, वी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, इसे बेस फॉर्म भी बोलते हैं, राइट जो है राइट, तो वो बेस फॉर्म भी है और फर्स्ट फॉर्म भी है, राइट रॉट रिटन, तो रॉट सेकंड फॉर्म है और रिटन थर्ड फॉर्म है, पूरी वर्ब फॉर्म की बुक आती है बहुत ही छोटी है, आपको वो करनी पड़ेगी प्रिपेयर और नहीं करनी। ओके, उसके बाद आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, अगर कोई कंटिन्यू अभी तक चल रहा है, पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी तक कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, उसमें हैव बीन आईएनजी का यूज होगा, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, तो वो अभी मैंने चालू नहीं किया है, पास्ट में चालू किया पर अभी चालू है, कंटिन्यू है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो आई सब्जेक्ट हैव हैज बीन आईएनजी। अब आएगा आपका पास्ट। ओके, पास्ट में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। सिंपल पास्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बोल सकते हैं इसको इंपॉर्टेंट, बट यूनिक बोल सकते हैं, इसमें में मात्र सारे टेंस में वन एंड ओनली सिंपल पास्ट ही ऐसा टेंस जिसमें सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज होता है, फर्स्ट और थर्ड जनरली होते नहीं यूज, बट आपको याद रखना वन एंड ओनली टेंस है सिंपल पास्ट जिसमें सेकेंड फॉर्म यूज होता है वर्ब का। ओके, ही रॉट और लेट, रॉट ऐसा यूज होगा। ओके, देन है अपना उसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर तो कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू आगे बढ़ना है। ओके, तो जो है आपका सिंपल पास्ट, पहले तो इतना समझ लो कोई पास्ट की बात कर रही है, पास्ट यूज कब होता है, प्रेजेंट कब यूज होता है, ना अभी की बात कर रही है, अभी कंटिन्यू कोई चल रहा है एक्शन वो बात कर रही है, कोई एक्शन अभी ही कंप्लीट होना है तो बात कर रही है, मतलब अभी 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 तो प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। ओके, पास्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, बात खत्म, ऐसा कुछ बात करना है,
के साथ आई थी यूज होगा आई वॉज नॉट प्लेइंग मैं खेल मैं नहीं खेल रहा था वी वेयर प्लेइंग वो लोग खेल रहे थे मतलब थे अभी नहीं खेल रहे खेल रहे थे ओके टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट पास्ट में चल रहा था क्यों लगता है क्योंकि आप इसको जस्ट बुक का एक सिलेबस का पार्ट समझते हैं कि मैं
The baby had been crying for 10 minutes when the mother attended to her. उसकी मदर ने अटेंड कर लिया उसको, but वो बेबी जो है had been crying, वो रो रही थी. उससे पहले जो टेंस हमने देखा उसमें कोई कंटिन्यू वाला बात नहीं था, एक एक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले हो चुका था. मतलब यहाँ पे तो अलग बात है कि कुछ हो रहा था और कुछ हुआ, मतलब के बेबी रो रही थी जब उसकी मम्मा ने उसे अटेंड किया, तब तक वो रो रही थी. ओके, टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट एंड इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शी हैड ट्राइड मेनी टाइम्स टू बी हर. ओके, एक एग्जांपल आप लिख लो तो आपको याद रहेगा. द बेबी हैड बीन क्राइंग ing for 10 minutes when the mother attended to her. उसके बाद they had been playing. Okay, simple future. उसके बाद future continuous. We will see now simple future. ओके, तो ऑलरेडी वी हैव गॉट द प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फोर टाइप्स आर देयर. ओके, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी फ्यूचर टेंस. ओके, और पूरा रिकॉल भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि पूरा टेंस आपको एक ही बार में याद आ जाएगा. ओके, जितना सिलेबस में है उतना, उससे थोड़ा ज्यादा कम नहीं. ओके, टिल देन.